गुड मॉर्निंग ऑल द डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नाइन्थ लेसन मोर अबाउट ऑर्गन सिस्टम. हमारे अंग तंत्र के बारे में और अधिक जानने की हम कोशिश यहाँ पर करेंगे. इंटरनल ऑर्गन्स सेंड मैसेज, आंतरिक अंग संदेश भेजते हैं टू एक्सटर्नल ऑर्गन्स, बाह्य अंगों से, टू परफॉर्म रिक्वायर्ड एक्टिविटी, जरूरी गतिविधियों को करने के लिए. देर आर वेरियस ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी. हमारे शरीर में बहुत से अंग तंत्र हैं विच वर्क कंटिन्यूसली, जो लगातार कार्य करते हैं. फर्स्ट है हमारा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र. नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड डायरेक्ट द फंक्शन ऑफ ऑल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है और निर्देश देता है. ब्रेन, दिमाग, स्पिनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी एंड नर्व्स और नसें आर द मेन पार्ट, मुख्य हिस्सा है ऑफ द नर्वस सिस्टम, हमारी तंत्रिका तंत्र का. द ब्रेन इज द कमांड सेंटर ऑफ द नर्व सिस्टम. दिमाग इज द कमांड सेंटर, आदेश देने वाला मुख्य केंद्र है ऑफ द नर्व सिस्टम, तंत्रिका तंत्र का. इट अलाउ अस टू थिंक, फील पेन, टेम्परेचर एक्स्ट्रा, यह हमें सोचने, दर्द को महसूस करने, तापमान को महसूस करना इत्यादि की आज्ञा देता है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन सच एज ब्रीथिंग एंड बीटिंग ऑफ आवर हार्ट आर आल्सो कंट्रोल्ड बाई आवर ब्रेन. सबसे महत्वपूर्ण कार्य जैसे सांस लेना और हमारे हृदय का धड़कना भी हमारे दिमाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है. ऑल द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाई ब्रेन. शरीर के सभी प्रतिक्रियाएं, सभी कार्य दिमाग द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं. ब्रेन इज कनेक्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाई थ्रेड लाइक फाइबर्स कॉल्ड नर्व. दिमाग शरीर के सभी हिस्सों से जुड़ा हुआ होता है. बाय द थ्रेड लाइक फाइबर, धागे जैसी संरचनाओं से, कॉल्ड नर्व जिसे नस कहा जाता है. बिलो द नेक, गर्दन के नीचे, दिस नर्व आर बंडल्ड टूगेदर टू फॉर्म ए स्पिनल कॉर्ड. ये नसें एक बंडल के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं टू फॉर्म ए स्पिनल कॉर्ड, और एक स्पिनल कॉर्ड का निर्माण करती है, यानी जो रीढ़ की हड्डी के बीच में जो नसें होती है उसको स्पिनल कॉर्ड कहते हैं. बिफोर दे ब्रांच आउट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, इससे पहले कि वो शरीर के भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग रूप से निकले, यानी शरीर के भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग रूप से निकलने से पहले ये गर्दन के नीचे एक साथ मिलकर एक बंडल का निर्माण करते हैं. द स्पिनल कॉर्ड इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन, और स्पिनल कॉर्ड दिमाग तक पहुँचने का बाह्य माध्यम है. इट इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स ऑफ अवर स्पीन, और यह हमारी रीढ़ की हड्डियों द्वारा अच्छी तरह से सुरक्षित किया जाता है. द नर्व एंडिंग कॉल्ड रिसेप्टर, नसें जहाँ समाप्त होती है वो रिसेप्टर कहलाता है, आर लोकेटेड अंडर द लेयर ऑफ स्किन, और ये रिसेप्टर, ये अंतिम बिंदु हमारी चमड़ी की सतह के नीचे होता है. द रिसेप्टर पिक अप फीलिंग ऑफ हीट, टच, पेन, और ये रिसेप्टर प्राप्त, रिसेप्ट का मतलब प्राप्त करना, रिसेप्टर प्राप्त करने वाले, ये प्राप्त करने वाले नसें हमारे गर्मी, किसी के द्वारा छुए जाने पर और दर्द जैसी भावनाओं को महसूस करते हैं. व्हेन वी टच ए हॉट पैन और एनी हॉट थिंग, जब हम किसी गर्म कढ़ाई या किसी गर्म वस्तु को छूते हैं, सडनली वी पिक अप आवर हैंड फ्रॉम दैट, और अचानक ही हम उससे अपना हाथ हटा लेते हैं. दिस रिएक्शन आर वेरी फास्ट, ये प्रतिक्रिया बहुत तेज है, एंड कॉल्ड रिफ्लैक्स एक्शन, और इनको कहते हैं रिफ्लैक्स एक्शन, यानी तेज गतिविधियाँ. दिस एक्शन आर रिफ्लेक्टेड बाय द स्पिनल कॉर्ड, और ये प्रतिक्रियाएं स्पिनल कॉर्ड द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं. द लिम्स, टंग
एंड फिंगर टिप्स आर द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट। लिप्स, होठ, टंग, जुबान, जीभ एंड फिंगर टिप्स और उंगलियों की अगली नोक आर द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट, सबसे अधिक संवेदनशील हिस्सा है। बिकॉज दे आर मोर रिसेप्टर लोकेटेड हेयर, क्योंकि यहाँ इनके अंदर बहुत से रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर समझ ही गए होंगे आप, जिस फीलिंग को महसूस करके वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं। वेन का जो अंतिम सिरा होता है, जो जहाँ पर किसी नस की समाप्ति होती है, उसको हम रिसेप्टर कहते हैं। और वह हमारी फीलिंग, सभी पेन है, होठ है, टेम्परेचर है, इस सब को फील करके दिमाग तक पहुँचाती है। और लिप्स, टंग और फिंगर टिप्स हमारे मोस्ट सेंसिटिव पार्ट हैं, क्योंकि इनके अंदर, इन अंगों के नीचे हमारे सबसे अधिक रिसेप्टर रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मेड अप ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल एंड बल्ब। प्रसरण तंत्र, प्रसरण का अर्थ होता है हमारे शरीर के अंदर जितने पदार्थ हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचाया जाता है, और उसको पहुंचाने के लिए हमारे कौन कौन से अंग कार्य करते हैं, उस पूरी व्यवस्था को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड। प्रेषण तंत्र हमारे हृदय, खून को लाने और ले जाने वाली नसों एंड ब्लड और खून से बना है। द मेन ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज हार्ट। प्रेषण तंत्र का सबसे मुख्य भाग दिल है। द हार्ट कंटिन्यूसली स्क्वीज, दिल लगातार सिकुड़ता रहता है एंड रिलैक्स टू पंप ब्लड वेसल, और फैलता रहता है टू पंप करने के लिए, भेजने के लिए ब्लड वेसल खून की नसों में। द मेन फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मैटर। द मेन फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम का मुख्य कार्य इज टू ट्रांसपोर्ट, भेजना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को एंड न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्वों को एंड वेस्ट मैटर और बेकार के पदार्थों को। द हार्ट इज डिवाइडेड इंटू फोर चैम्बर। हृदय को चार कोष्ठों में, चार भागों में बांटा गया है। ईच ऑफ द टू अपर चैम्बर इज कॉल्ड द एट्रियम। और हृदय के ऊपर के दो चैम्बर, दो कोष्ठ एट्रियम कहलाते हैं, आलिंद जिसको हम कहते हैं। एंड ईच ऑफ द लोअर चैम्बर इज कॉल्ड वेंट्रिकल। और प्रत्येक दूसरे नीचे के दो चैम्बरों को, दो कोष्ठों को हम नीले कहते हैं। बिटवीन द चैम्बर, इन कोष्ठों के बीच में देर आर वाल्व, यहाँ पर वाल लगे हुए हैं एंड क्लोज टू स्टॉप द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड, और पीछे की तरफ खून को बहने से रोकते हैं। ये वाल्व आप देखते हैं कि जब हम वाटर टैप के ऊपर वॉल लगाते हैं तो पानी को बहने से रोक देता है, इसी प्रकार इन सभी चारों कोष्ठों के बीच में वाल लगे होते हैं ताकि खून पीछे की तरफ न बहे। द मेजर टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल आर द आर्टरीज एंड वेन। मुख्य रूप से खून ले जाने वाले जो माध्यम होते हैं उनको हम आर्टरीज और वेन कहते हैं। आर्टरीज होती है सिराएं और वेन होती है नसें। आर्टरीज कैरी ब्लड रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब आर्टरीज का क्या काम है? आर्टरीज एक कैरी ब्लड खून को ले जाती हैं, रिच इन न्यूट्रिएंट्स जिसमें पोषक तत्व तो होते हैं एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन होती है फ्रॉम हार्ट, दिल से टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के दूसरे भागों में। आर्टरीज क्या काम करती हैं? दिल से खून युक्त, पोषक तत्व युक्त और ऑक्सीजन युक्त ब्लड को हृदय से दूसरे भागों में, शरीर के दूसरे भागों में पहुंचाती है। और वेन क्या काम करती है? वेन कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। और नसें शरीर के दूसरे भाग से वापस खून को हृदय में लेकर आती है। कैपिलरीज आर द थिनिएस्ट लिंक्स बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन। और कैपिलरीज आर द थिनिएस्ट
लिंक सबसे पतला जोड़ है बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स, शिराओं और नसों के बीच में। द ऑक्सीजन डिप्लेटेड ब्लड फ्लो इनटू द लंग इनटू द पिक अप मोर ऑक्सीजन। द ऑक्सीजन डिप्लेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रहित खून फ्लो इनटू द लंग्स, फेफड़ों में बहता है टू पिक अप द मोर ऑक्सीजन, और अधिक ऑक्सीजन लेने के लिए। द ब्लड कंसिस्ट रेड ब्लड सेल, वो खून जो लाल रक्त कणिकाओं से बनता है, वाइट ब्लड सेल और सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से बनता है, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन से एंड प्लेटलेट्स और प्लेटलेट्स से। हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और हीमोग्लोबिन का क्या करिए है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को शरीर के भिन्न भिन्न भागों में पहुंचाता है। WBC यानी वाइट ब्लड सेल हेल्प द बॉडी फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन काजिंग जर्म्स, और श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे बीमारी फैलाने वाले जर्म के संक्रमण से हमारी सुरक्षा करने के लिए लड़ती हैं। RBC डू द वर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो यातायात का काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। प्लेटलेट्स हेल्प टू क्लोट द ब्लड एट द टाइम ऑफ ब्लीडिंग, और प्लेटलेट्स जो होता है वो खून बहने के समय खून का थक्का बनाने के काम आता है। वो कंट्रोल द रिफ्लेक्सिव एक्शन, द ब्रेन स्पिनल कॉर्ड कंट्रोल द रिफ्लेक्सिव एक्शन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द आर्टरीज, आर्टरीज टेक्स द ब्लड रिच विद न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स एंड ऑक्सीजन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द हार्ट। नेक्स्ट रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। रिस्पायरेटरी इज ब्रीथिंग एयर इन एंड आउट, श्वसन का अर्थ है हवा को अंदर ले जाना और बाहर छोड़ना, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग सांस लेना और छोड़ना। ऑल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी नीड ऑक्सीजन टू कीप अलाइव, हमारे शरीर के सभी भागों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। एंड एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, और हवा में ऑक्सीजन होती है। इट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, यह भी एक महत्वपूर्ण हमारा तंत्र है, व्यवस्था है। द नोज लैरिनिक्स ट्रेचिया एंड लंग्स आर द ऑर्गन्स ऑफ द सिस्टम, इस तंत्रिका के, इस तंत्र के नाक लैरिनिक्स ट्रेचिया और लंग्स फेफड़े महत्वपूर्ण अंग हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी इनहाल्स द ब्रीथ फ्रॉम स्नोर नोज, सांस से लेते हैं, फिर वो गले में जाती है, फिर लैरिनिक्स जो नीचे की श्वसन नली है उसको लैरिनिक्स बोलते हैं, उसके बाद होता है ट्रेचिरिया, ट्रेचिया जो जहाँ से फूड पाइप और वाइन पाइप अलग होती है उसको ट्रेचिया बोलते हैं, और उसके बाद ये लंग्स के अंदर चली जाती है। व्हेन वी इनहेल, जब हम सांस लेते एयर इंटर आवर बॉडी थ्रू आवर नोज, हवा हमारे शरीर में नाक के द्वारा अंदर घुसती है। व्हेन इट रीचेज लंग्स, और जब ये फेफड़ों पर पहुंचती है, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, तो वहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है। द ऑक्सीजन इन द लंग सेल इंटर द ब्लड फ्रॉम वेयर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑक्सीजन इन द लंग सेल्स फेफड़ों की कोशिकाओं से ऑक्सीजन इंटर द ब्लड खून में प्रवेश करती है, फ्रॉम वेयर जहाँ से इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, या इसका बंटवारा होता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के सभी भागों में। द वेस्ट मैटर इन द ब्लड, खून में बेकार का पदार्थ, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है, एंड वाटर और पानी के रूप में, पासिस इन टू द लंग, फेफड़ों से गुजरता है, टू बी थ्रोन आउट, उसे बाहर फेंक दिया जाता है, ऑफ द बॉडी शरीर से। व्हेन वी एक्सहेल, जब हम सांस छोड़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ विच द गैस इंटर, वो प्रक्रिया जिसमें गैस हमारे अंदर प्रवेश करती है, एंड लीव द ब्लड स्ट्रीम, और खून की धाराओं में छोड़ दी जाती है, एंड लंग सेल इज कॉल्ड डिफ्यूजन।
उस प्रक्रिया को हम डिफ्यूजन कहते हैं। व्हेन द ऑक्सीजन रीचेज द सेल, जब ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचती है, दे आर एबल टू यूज द न्यूट्रिएंट्स टू मेक एनर्जी, तो कोशिकाएं पोषक तत्वों से एनर्जी ऊर्जा प्राप्त करने योग्य हो जाती हैं। दिस एनर्जी हेल्प देम टू कैरी आउट दियर फंक्शन, और ये ऊर्जा ही उन्हें कार्य करने के लिए योग्य बनाती हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में क्रिएटिंग एनर्जी, इन दिस प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एनर्जी, ऊर्जा उत्पन्न करने की इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है एंड इज सेंट थ्रू द ब्लड, और उसे खून द्वारा भेज दिया जाता है टू द लंग्स, फेफड़ों तक, टू बी एग्जाल्ड, बाहर फेंकने के लिए, बाहर सांस छोड़ने के लिए। नेक्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ईच सेल नीड एनर्जी टू फंक्शन, प्रत्येक कोशिका को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एंड इट गेट्स एनर्जी फ्रॉम द फूड, और यह कोशिका इस ऊर्जा को भोजन से प्राप्त करती है। दैट वी ईट, जो हम खाते हैं, द फूड दैट वी ईट ब्रेक इनटू टीनी पीसीज, भोजन जो हम खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। एंड इंटर सेल थ्रू ब्लड, और वो खून द्वारा कोशिकाओं में प्रवेश करता है। द सेल रिलीज एनर्जी, कोशिकाएं ऊर्जा मुक्त करती हैं। दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, और इस पूरी व्यवस्था को हम पाचन तंत्र कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। द माउथ, मुंह, स्टोमक, पेट, लीवर, जिगर, इंटेस्टाइन्स और आंते, आंत आर सम इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं। द स्टेप इन्वॉल्विंग इन द डाइजेस्टिव सिस्टम आर, पाचन तंत्र में जो कदम, जो स्टेप शामिल है वो ये हैं। फर्स्ट है, फूड इज ग्राउंड इन द माउथ विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड मिक्स्ड विद डाइजेस्टिव जूस सलीवा, विच मेक इट इनटू ए सेमी सॉलिड पेस्ट। सबसे पहले मुंह में रखा हुआ भोजन विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड मिक्स्ड विद डाइजेस्टिव सिस, सबसे पहले मुंह का भोजन दांतों द्वारा चबाया जाता है एंड मिक्स्ड और मिला दिया जाता है विद डाइजेस्टिव जूस, पाचन जूस के साथ, जिसको सलीवा कहते हैं, जिसको हम लार भी कहते हैं, विच मेक इट इनटू सेमी सॉलिड पेस्ट, जो उसे अर्ध ठोस में बदल देता है। ये सेमी सॉलिड होता है जो न तो ठोस हो न ही लिक्विड हो। दिस चीव्ड फूड इज सर्व्ड, और ये चबाया हुआ भोजन निगल दिया जाता है एंड मूव्स टू द स्टोमक, और पेट की तरफ बढ़ता है थ्रू द फूड पाइप, भोजन नली से, इन द स्टोमक और पेट में। मोर डाइजेस्टिव जूस आर रिलीज्ड टू ब्रेक डाउन द फूड, भोजन को तोड़ने के लिए और भी अधिक पाचन तंत्र करने वाले जूस, रस छोड़ दिए जाते हैं। देन द फूड मूव टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और तब भोजन छोटी आंत की तरफ चलता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, छोटी आंत है, वो एक लंबी कोल्ड कुंडलीदार ट्यूब नाली है। द लीव कोल्ड होता है सांप की तरह लिपटना, यानी कुंडलीदार। द लीवर एंड द पैंक्रियाज रिलीज मोर डाइजेस्टिव जूस, और हमारा जो लीवर है और पैनक्रिया है, पैनक्रिया देखिए आप यहाँ पर आपको दिखाई देगा, एक पत्ते जैसा एक पदार्थ होता है हमारे लीवर के अंदर, ये देखिए ये हमारा लीवर है जहाँ पर मैंने टच किया है, और ये इसके नीचे जो ये पदार्थ दिखाई दे रहा है ये पैनक्रिया है। जूस आर रिलीज टू ब्रेक डाउन द फूड, दिस चीव्ड फूड इज स्वेलोड, ये चबाया हुआ भोजन निकल दिया जाता है। मोर एंड मूव टू द स्टमक, इसके बाद हम चल रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन पर। द लीवर एंड पैनक्रिया रिलीज्ड मोर डाइजेस्टिव जूस, पैनक्रिया और लीवर और भी अधिक पाचन करने वाले रस छोड़ते हैं एंड रीच इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन,
और जो छोटी हाथ में पहुंचता है, द एक्शन ऑफ ऑल द जूस ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। इन सभी रसों का कार्य है भोजन को एक साधारण रूप में तोड़ देना है। द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन हैव ब्लड वेसल, और आंतों की दीवारों पर खून की रक्त कणिकाएं होती हैं, दैट अब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, जो पचाए गए भोजन को शोषित कर लेती हैं, यानी अपने अंदर खींच लेती है। अनडाइजेस्टेड फूड मूव इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ डिस्पोजल, और बगैर पचा हुआ भोजन बड़ी आंत की तरफ डिस्पोज करने के लिए, बाहर निकालने के लिए बढ़ जाता है। द अनवांटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड फेसियस, वो अनवांटेड पार्ट ऑफ द फूड भोजन का वो अनचाहा भाग जिसकी हमें जरूरत नहीं, इज कॉल्ड फेसियस, मल कहलाता है। एट द एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, और बड़ी आंत के अंत में, द रेक्टम कोलेक्ट द फेसियस, रेक्टम के अंदर हमारे गुदा के अंदर ये मल इकट्ठा हो जाता है। एंड एक्सपल दैम थ्रू द एन्यूस, और गुदा द्वार द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। व्हाट आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन से हैं। द मेन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आर लंग्स, फेफड़े इसके मुख्य अंग हैं। व्हाट इज द वर्क ऑफ लीवर, लीवर सीक्रेट ए जूस विच ब्रेक डाउन द फूड इन द सिंपलेस्ट सब्सटेंस। लीवर एक ऐसा डाइजेस्टिव जूस, एक पाचन करने वाला रस छोड़ता है जो भोजन को साधारण तत्वों में तोड़ने में काम आता है। इसके बाद है एग्जेटरी सिस्टम, प्रेषण तंत्र, एक्सेट्री सिस्टम वर्क टू क्लीन अवर बाल्ट। शोधन तंत्र हमारे खून को साफ करने का कार्य करता है। एंड एलिमिनेट द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ अवर सेल्स, और हमारे कोशिकाओं के बेकार के उत्पादन को नष्ट कर देता है, बाहर निकाल देता है। ए पेयर ऑफ किडनीज, अल्टर, ब्लेडर एंड यूरेट्रा आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द सिस्टम। इस तंत्र के मुख्य भाग ए पेयर ऑफ किडनी, गुर्दों का एक जोड़ा, अल्टर और ब्लेडर है, एंड यूरेट्रा है। किडनी फिल्टर द ब्लड कंटिन्यूसली, किडनी जो है वो खून को लगातार फिल्टर छानती रहती है। रिमूव द लिक्विड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम इट, और इसमें से वो तरल पदार्थ, जो बेकार के तरल पदार्थ है उन्हें हटा देती है। द किडनी कोलेक्ट द एक्सेस वाटर, गुर्दे अत्यधिक मात्रा में पानी इकट्ठा कर लेते हैं। एंड वेस्ट प्रोडक्ट, और बेकार के पदार्थों को, एंड रिलीज दैम एज यूरिन, और उन्हें मूत्र के रूप में बाहर निकाल देते हैं। किडनी फिल्टर अबाउट 200 लीटर ऑफ द फ्लूड डेली, हमारा जो गुर्दा है वो लगभग 200 लीटर फ्लूड को हर रोज छान सकता है। व्हेन यूरिन इज प्रोड्यूस्ड, और जब यूरिन, जिसको हम पेशाब भी कहते हैं, उत्पन्न होता है, इट पासिस इनटू द अल्ट्रेस, वह अल्ट्रेस से निकलता है, विच स्क्वीज द यूरिन डाउन टू द ब्लेडर, विच स्क्वीज, जो सिकोड़ देता है द यूरिन को डाउन टू द ब्लेडर, नीचे ब्लेडर की तरफ, एंड देन एक्सपल इट फ्रॉम आवर बॉडी, और तभी हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। थैंक यू। वी हैव डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल नर्वस सिस्टम, आफ्टर दैट सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एग्जेटरी सिस्टम। To understand it better, you will learn only one system one day, and so you will hear this video for 4 days. Thank you.